हेलो फ्रेंड्स, BihariRecipe.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को कटहल की सब्जी बहुत ही आसान तरीके से बनाने की विधि बताऊंगी। तो देखिए, हम यहाँ 500 ग्राम कटहल लिए हैं। कटहल जब भी लीजिए तो छोटे साइज का लीजिए, क्योंकि बड़े में बड़ा बड़ा बीज आ जाता है, वो सही नहीं बनता है। तो छोटे साइज का आप कटहल लीजिए जब भी लीजिए तो। और इसको सबसे पहले, कटहल में चिपचिपाहट होता है तो उसके लिए आप सरसों का तेल हाथ में लगा लीजिए, और उसके बाद कटहल को काटिएगा तो ये हाथ में चिपकेगा नहीं। तो देखिए, इस तरह से आपको छोटा छोटा पीस काटना है। पहले बीज का जो हिस्सा है, इसमें बीज में जो रहता है उसको निकाल लेना चाहिए, ये सही नहीं बनता है। उससे इसको हम निकाल के फेंक देंगे, और बाकी जो ये हिस्सा है इसको हम छोटे छोटे, जैसे इस तरह से हम सभी कटहल को छोटे छोटे साइज में कट कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह सभी कटहल को ये छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। अब हम इसको कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए, और इस कटहल को तलेंगे। तो देखिए, कढ़ाई अभी गर्म हो रहा है, तब तक हम मसाला देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिए हैं हम 1 चम्मच, और ये 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर है, 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज है, ये तेज तड़का के लिए 3 से 4 तेज पत्ता है, 1 लाल मिर्च, 1 छोटी इलायची और जीरा, थोड़ा सा दालचीनी, और 2 लौंग लिए हैं हम तड़का के लिए। और इसका पेस्ट बनाने के लिए हम लिए हैं अदरक, लहसुन, 2 हरी मिर्च, और ये प्याज है, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। मसाला में लिए हैं सब्जी मसाला 1 छोटी चम्मच, यहाँ 1 चम्मच हम गरम मसाला लिए हैं, ये लाल मिर्च पाउडर है 1 चम्मच, और ये स्वाद के अनुसार नमक, ये धनिया पाउडर है 1 छोटी चम्मच, और 1 चम्मच हल्दी है, तीखा और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच सरसों का तेल। इसमें हमें फ्राई करना है, बाद में सब्जी में भी तेल ऐड करना है, तो इकट्ठे नहीं डालेंगे, केवल तलने के लिए हम इसको जो है कटहल को डाल देंगे, और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम तल लेंगे। तो देखिए, हमारा कटहल अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए, अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच और तेल, और तेल गरम हो जाए तो इसमें जो हमने लिया है तड़के के लिए जीरा, तेज पत्ता और लाल मिर्च, इसको हम डाल देंगे। तो देखिए, इसमें हम बारीक कटा प्याज डाल देंगे, और इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज में फ्राई हो रहा है, तो इसमें हम बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, और दोनों को अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। तो देखिए, टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो गया है। ये हम जो पैटर बना के रखे थे प्याज और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का, वो डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। प्याज थोड़ा फ्राई हो गया है, तो हम सभी सूखे मसाले को ऐड कर देंगे। सब्जी मसाला है, ये गरम मसाला है, और ये है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और यह है लाल मिर्च पाउडर, ये नमक है स्वाद के अनुसार। सभी चीज़ों को मिलाकर अच्छे से मसाले को भूनेंगे, जब तक कि उसमें ऊपर ऊपर तेल ना आ जाए। अच्छे से भून लेंगे मसाले को। तो देखिए, मसाला अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें डाल देंगे कटहल, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ी देर इसे भी इसके साथ हम भून लेंगे। तो देखिए, कटहल में 2 कप पानी डाल दिए हैं,
आपको जितना ग्रेवी पसंद हो उतना आप डाल सकती हैं। अब हम इसको कढ़ाई में, ये बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अब हम इसको कुकर में सेट कर देंगे और 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। तो देखिए कुकर में सभी चीज़ों को हम सेट कर दिए हैं और इसमें 3 से 4 सीटी लगा लेंगे ताकि कटहल अच्छे से गल जाए। तो देखिए 4 से 5 सीटी लगा लिए थे कुकर में, ये बन के बिल्कुल अच्छे से रेडी है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कटहल की सब्जी बन के बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरह वीडियो देख के बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो हमारे वीडियो को देखकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल बिहारी रेसिपी सीमा तिवारी है उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।